subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हमारे दल में 6 विधायक 6 सांसद हम लोग हैं. पांचों सांसद की इच्छा थी 6 महीने से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है. ये पार्टी को अब बचा लीजिए. तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूं. मैं पार्टी को बचाया हूं और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूंगा लोक जनशक्ति पार्टी देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे. गरीब दलित शोषित जितने भी समाज के लोग गरीब तबके के लोग हैं मैं उनकी सेवा करने के लिए 24 घंटा में तैयार हूँ. चिराग पासवान जी हमारे परिवार के हमारे भतीजा भी हैं. हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे अभी तक हैं. उनको कोई आपत्ति नहीं है दल में रहे. उनको कोई आपत्ति नहीं है. उनको चिराग पासवान जी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है. मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ. पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है. ये लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी. उसमें चिराग पासवान जी आवे रहे और मैं तो आज के इस माध्यम से पूरे बिहार और पूरे देश के लोगों से आग्रह करता हूँ कि जो लोग भी किसी कारण बस नाराज होकर हमारी पार्टी से चले गए मैं सभी लोगों से माफी मांगता हूँ और सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि वो लोग आए हमारे पार्टी में सहयोग करें. पार्टी सदस्यता ग्रहण करें और जैसे पार्टी चलती थी पासवान जी के समय में वैसे पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़े. स्पीकर साहब को मैंने कल रात में 8:30 बजे 5 सांसद हम लोग स्वस्थ शरीर जाकर के उपस्थित होकर मैंने उनको कागज दे दिया. जब अब वो ऑर्डर देंगे बुलाएंगे तो हम आपने जेडीयू के नेता से मुलाकात की ऐसी खबर आ रही है. से मुलाकात गलत बात है. क्या जेडीयू में जा रहे हैं आप? नहीं भाई 100% गलत है. चुनाव आयोग में हमारी पार्टी है. हमारी पार्टी रहेगी. लोक जनशक्ति पार्टी को किसी को मरवा नहीं है. लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन पूरे देश में है और बिहार में हमारा संगठन काफी मजबूत है. हमारा संगठन था है और भविष्य में रहेगा. मैं एनडीए गठबंधन के साथ में मैं एनडीए में के साथ था और मैं आज भी हूँ. मैं गठबंधन में रहूंगा. गठबंधन धर्म का पालन करूंगा. जहां तक बिहार सरकार की बात है तो हमारे समझ हमारी जो सोच है हमारा जो ये है उसके मुताबिक मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं अच्छा लीडर मानता हूँ.